वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हिसार स्थित अपने पैतृक गांव घिराए में स्वागत समारोह के दौरान बॉक्सर स्वीटी बुरा और उनके पति दीपक हुड्डा ने खुले मंच से भूपेंद्र हुड्डा को वोट देने की अपील कर दी थी। इतना ही नहीं, स्वीटी बुरा ने तो नारा भी लगा दिया था कि इब की बार हुड्डा सरकार। जिस समय दोनों पति पत्नी ये अपील कर रहे थे, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मंच पर ही मौजूद थे। स्वीटी और उनके पति ने भूपेंद्र हुड्डा की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने अपनी सरकार रहते खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा नौकरियां दी थी। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मंच से बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार होती तो वो स्वीटी बुरा को सीधा DSP लगाते। स्वीटी और उनके पति द्वारा यूं खुल्लम खुल्ला हुड्डा के लिए वोट मांगना BJP समर्थकों को रास नहीं आया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही CM खट्टर ने स्वीटी बुरा को 40 लाख रुपए और बी ग्रुप की नौकरी दी थी। बावजूद इसके स्वीटी ने भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में वोटों की अपील कर दी। हालांकि जब CM मनोहर लाल खट्टर से स्वीटी बुरा के इस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि उन्होंने एक खिलाड़ी का सम्मान किया था और लोकतंत्र में कोई भी किसी के लिए वोट मांगे, उन्हें इससे कोई एतराज नहीं है। भले ही BJP समर्थक स्वीटी बुरा द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में अपील करने पर खफा हो, मगर सूबे के मुख्यमंत्री ने इस मामले में दरियादिली जरूर दिखाई है। आगे आप खुद सुनिए कि स्वीटी बुरा को लेकर CM ने क्या जवाब दिया। 40 लाख रुपए दिए सर आपने स्वीटी बुरा को, वर्ल्ड चैंपियन को, वो नौकरी भी दी है, लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वोट मांग रहे सरकार। देखिए, लोकतंत्र है और हमने 40 लाख उसको दिए हैं तो एक खिलाड़ी के नाते, एक मेडलिस्ट के नाते दिए हैं। वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता कि हम पैसे देते हैं उसके पीछे हम राजनीति करेंगे। जिसको राजनीति करनी है वो करे। हमारा शुद्ध सात्विक है, खेलों को आगे बढ़ावा देने के लिए हम खिलाड़ियों की मदद करते हैं और जो खिलाड़ी आएगा वो किसी भी विचार का होगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का खिलाड़ी आएगा उसकी मदद नहीं होगी और BJP वाले की होगी, सबकी मदद होगी। उसके बाद उनका अपना मत है, जहाँ जाए वो जाए। सर एक लास्ट क्वेश्चन, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत में थे, उन्होंने कहा जो 75 का नारा दिया था मतलब का गठबंधन था और इस बार ये मतलब फेलियर सरकार है, उस पर क्या कहना है? मेरा कहना है कि बीती ताई विसार दे, आगे की सुधले, अब तो नया चुनाव आ गया, उसकी बात करेंगे।